नमस्कार दोस्तों, मेरे जाने पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुंभ राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल बताने वाली हूँ, जिन लोगों का नाम गु गे गो सा सी सु से सो इन अक्षर से शुरू होता है, उन लोगों की कुंभ राशि होती है। मैं कुंभ राशि का जो वार्षिक राशिफल बताने वाली हूँ, उसमें उनका करियर, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, सब कुछ विस्तार में अब आपको बताने वाली हूँ। कुंभ राशि के जो लोग हैं, वो 2020 में हर क्षेत्र में उनको जो है मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कदम कदम पर जो है इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे रहेंगे, तो आपकी सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। इस जनवरी 2020 से आपका स्वामी शनि, आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो मकर राशि के 12वें भाव में कदम रखेगा और पूरे वर्ष इसी स्थिति में रहेगा। दौरान आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा हो सकता है। जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का 2020 में किस क्षेत्र में कैसा काम करेंगे, आपके सितारे कितने बुलंद रहेंगे। चलिए अब आपको मैं ये विस्तार में बताती हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके सितारे बोलते हैं कि करियर में आप आगे बढ़ते रहेंगे, काफी हाथ पैर मारने आपको पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहनत करने के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी करने वालों को भी अच्छा रिजल्ट मिलने के योग है। साझेदारी में बिजनेस करने वाले अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हालांकि जनवरी से मार्च, 30 मार्च और 30 जून से लेकर 20 नवंबर के बीच का समय बिजनेस करने वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मतलब जनवरी से 30 मार्च और 30 जून से 20 नवंबर का समय ये अच्छा रहने वाला है बिजनेस करने वालों के लिए। यह वक्त निवेश की दृष्टि से भी शुभ रहेगा। ऑफिस का तनाव घर पर की पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, इसलिए ऑफिस की कोई भी बात घर पर न बताएं। खासकर अपने जीवन साथी के साथ बिल्कुल साझा न करें। जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में आप ऑफिस के काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। 2020 में आपकी विदेश यात्रा का योग संभव है। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जरा भी लापरवाही मत बरतें, वरना आपकी नौकरी जाने का खतरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों की बुराई करना या गॉसिप करना, इनमें आप मत पड़िए, ये जोखिम भरा हो सकता है। साल के अंत में बॉस आपके काम से खुश होंगे और इस वक्त आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, मतलब आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति, कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति जो है 2020 में जो है, आप किसी बड़ा निवेश करने से पहले ही अच्छी तरीके से सोच लीजिए, सोच विचार कर ले, या फिर किसी जानकार की मदद ले ले। 2020 में आपकी राशि में राहु विराजमान होने के साफ योग बन रहे हैं। 2020 में आपको कोई बड़ी हानि हो सकती है। नौकरी में उतार चढ़ाव के चलते आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है। शुरुआत में ही आपके खर्च बढ़ेंगे, बच्चों की पढ़ाई, एडमिशन को लेकर 2020 ये साल आपकी अच्छी खासी चपत लगने वाली है, के बाद आपकी स्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा। 30 मार्च से लेकर 30 जून तक गुरु बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में होने से आपके पास आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी परिचित को कर्ज देने से पहले विचार विमर्श जरूर करें। 2020 साल में आपकी आय नियमित रहेगी, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। किसी करीबी मित्र से सालों बाद मुलाकात होगी और उसके साथ मिलकर आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो है कुंभ राशि के लोग जो है, यह वर्ष काफी अनुकूल रहेगा। 2020 में पढ़ाई के प्रति आप आकर्षण महसूस करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं और फिर से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए 2020 से साल जो है शुभ रहेगा। साल की शुरुआत में ही आप शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम रखेंगे। हालांकि मध्य सितंबर तक राहु का गोचर पंचम भाव में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कई रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। किसी करीबी मित्र के साथ आप प्रतिस्पर्धी महसूस करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंस और मीडिया की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह साल विशेष रूप से फलदायी होगा। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में शॉर्टकट अपनाने से बचेगा, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। पारिवारिक जीवन, 2020 में कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन जो है काफी अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का इस साल आपको न सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी साथ मिलेगा। परिवार में जमीनी मामलों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म होगा। विवाहित लोगों के लिए साल की शुरुआत में ससुराल में बहुत
प्यार मिलेगा। किसी बड़े फैसले को लेने से पहले आपकी राय जरूरी समझी जाएगी। साल का मध्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। काम की व्यस्तता के चलते आप परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाएंगे, जिससे चलते तनाव में छोटा मोटा विवाद हो सकता है। तो बड़े भाई के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि पैसों को लेकर कोई बात है तो अपनी वाणी पर संयम रखें। मध्य सितंबर के बाद राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक शांति में कुछ ग्रहण लग सकता है। दौरान आप अपने घर में कथा हवन या किसी मांगलिक कार्य को संपन्न करवाइए। साल के अंत में आप नया घर या गाड़ी खरीद सकते हैं। 2020 में कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। साल की शुरुआत से ही आपका रिश्ता गलतफहमी का शिकार हो सकता है। किसी करीबी दोस्त या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ये रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखें, सारी बातों को आपस में शेयर करें। वही वैवाहिक जीवन में आपको बड़े बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। इस साल शादी की सालगिरह पर पार्टनर को सोने की चीज गिफ्ट करें, इससे आपके रिश्तों में नजदीकियां आएंगी, साथ ही प्यार बढ़ेगा। बच्चों की ओर से यह साल आपके लिए थोड़ा निराशापूर्ण रहेगा। बच्चे आपकी बात काटने के साथ ही गलत संगत का शिकार हो सकते हैं। पढ़ाई को लेकर बच्चे बोरियत महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। साल के अंत में आप बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल सकते हैं और उनका बेहतर भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। 2020 में कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य जो है, उनको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की, विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी यात्रा पर जाए तो अपनी सेहत की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर ले। आप अस्थमा के मरीज है तो अपना इनहेलर साथ लेना मत भूलिए। यदि आपको कष्ट की समस्या है तो ज्यादा तनाव न ले, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस साल आपके बच्चे आपके स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर हो सकते हैं। फरवरी से मई के बीच में आपको स्वास्थ्य पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तनाव के चलते आपको किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बाहर के खाने से जो है आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अत्याधुनिक तला बुना खाने से जो है आप बचे, ऐसा खाना आप ना खाए। उपाय 2020 में जो है कुंभ राशि वालों के लिए कुछ उपाय मैं बता देती हूँ। आप चाहे तो उन सभी उपाय कर सकते हैं या फिर उन सभी उपाय में से कोई एक उपाय आपको जो ये वो आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का आप नियमित जाप करें। सुबह उठकर गाय को एक रोटी खिलाए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए और किसी गौशाला में जाकर दान करें। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। नया साल आपके लिए खुशियों भरा रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।